जी बिस्मिल्लर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस। हमारे पास जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग uh, ओवरहेड्स को जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं तो हम लोग यहाँ पे आज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के कॉस्ट वेरिएंसेस जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनमें से ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं उसी हमारे जो जर्नल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस को यूज करके और किस तरीके से फिर हम लोग वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड की एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं देन हम लोग कंप्यूट और इंटरप्रेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस को और फिर हम ये देखेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है और उसकी इंटरप्रटेशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे तो ये हमारा बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस के ऊपर जो है वो हमारी डिस्कशन होगी हेयर वी कैन कैलकुलेट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस we have the data of our example jo ke hum logon ne direct uh, cost variances ko calculate karne ke liye bhi hum isi example ko leke chal rahe hain to usme hamare paas standard variable manufacturing overheads hain that are 0.5 r per statues and at the rate of 6 per r तो हम लोग जो variable overheads हैं या overheads जो हैं वो भी हम लोग लेबर आर्स की basis के ऊपर ही apply कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी वही पर आर जो है वो एक क्वांटिटी जो है स्टैंडर्ड जो है वो हमने लिया हुआ है तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से हमें मिलता है कि दैट इज 0.5 पर आर हम एक यूनिट को बनाने में 0.5 फाइव आवर्स खर्च कर रहे हैं और उसके ऊपर जो पर आर हमारी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आती है दैट इज सिक्स पर आर तो टोटल हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज थ्री पर पर यूनिट actual hours of direct labor work to have hai that is 1050 hours because this uh, variable overheads are based on actual labor hours and so the actual hours which were used in calculation of uh, direct labor uh, uh, variances, वही हम लोग आर्स यहाँ पे भी यूज करेंगे एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज़ सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी और सात हजार एक सौ चालीस के टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो हमारे वेरिएबल इस महीने में आए हैं सो so, इस तरीके से हम एक्चुअल Uh, uh, जो एवरेज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 6.80 पर आर व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 7140 टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ओवर ओवरहेड विद 1050 एक्चुअल आवर्स तो इसके साथ हमारे पास 6.8 पर आर इसका रेट आ गया We can compute variable manufacturing overhead variances by the following formulas: variable manufacturing overhead spending variance. Spending variance mean total variance. That is mean flexible budgeted variance. The total variance of variable manufacturing overhead you have calculate karenge that is actual hours multiplied by actual rate. That is the actual cost. जिसको हम लोग एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं जो कि हमारी एग्जांपल में ये दी हुई है सो दिस इज एक्चुअल कॉस्ट माइनस दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट और फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट जो हम लोगों ने अपने जर्नल मॉडल में दो कॉलम बनाए थे एक कॉलम वन और एक कॉलम थ्री तो दिस इज कॉलम थ्री एंड दिस इज कॉलम वन तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट और फ्लैक्सिबल बजटेड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड सो एक्चुअल आर्स इंटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड आर्स इन टू स्टैंडर्ड रेट तो एक्चुअल आर्स जो हैं, वो इसके अंदर

वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड रेट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर दैट प्रोडक्शन तो एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर से माइनस करके हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से दिस इज द फार्मूला फॉर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वेयर इन दीस फार्मूलास एक्चुअल आवर्स मीन एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन जो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग आवर्स जो है वो यूज हमने

एक्चुअल रेट इज द एक्चुअल रेट पर वेरिएबल मैन्युफेक्चरिंग ओवरहेड आर ऑफ इनपुट जो भी हम लोग मैनुफेक्चरिंग ओवरहेड पे कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने जो एक्चुअल रेट के ऊपर पे किया है जो कि हमारी एग्जाम्पल में सिक्स पॉइंट एट आता है ये हमारे पास एक्चुअल रेट आएगा और स्टैंडर्ड रेट इज द बजटेड रेट ऑन विच वी हैव प्लैंड आर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड जो हमने प्लान किए हैं या जो शुड हैव बीन पेड बाय द कंपनी उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल रेट कहेंगे तो इन फिगर्स को हम यूज करके अपने जो है वो

इसको हम फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस भी कहते हैं या इसको टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस भी कहते हैं द फार्मूला फॉर दिस इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इन दोनों का जो फर्क होता है ये हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंस आता है तो इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल उनको हम एक्चुअल रेट तो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट वॉज सिक्स और सिक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है सेवन एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 1050 एक्चुअल टोटल आर्स थे और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 6.8 आ गया जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ गई दैट इज 7140 जो कि हमने पहले भी यहां पे यूज किया था हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं विदाउट फार्मूला फिरउट विदाउट कैलकुलेशन क्योंकि हमने इसी फिगर को यूज करके ही रेट निकाला था लेकिन चूंकि हम लोग फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने एक तरतीब से सारे स्टेप्स किए हैं तो माइनस वन थाउजेंड आर्स है मल्टीप्लाई बाय सिक्स पर आर जो है वो उसकी कॉस्ट है तो यहां पे हमारे पास वन थाउजेंड जो है वो स्टैंडर्ड आर्स हैं स्टैंडर्ड आर कैसे निकलेंगे हमारे पास जो टोटल आउटपुट होगी जिस जो हम लोगों ने प्रोडक्शन की होगी वो है टू थाउजेंड यूनिट जो हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक है और एक यूनिट को बनाने में पॉइंट फाइव आर्स लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि टू थाउजेंड यूनिट बनाने के ऊपर हमारे वन थाउजेंड आर्स लगने चाहिए जो जो ये फिगर होती है जो कि हम लोग कहते हैं एक्चुअल आउटपुट के ऊपर कितनी क्वान्टिटी ऑफ आर्स यूज होनी चाहिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड आर्स बोलते हैं सो दिस इज 1000 स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट जो है को हमें गिवन है हमारी एग्जांपल में 6 पर आर हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट दिया हुआ है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी सिक्स थाउजेंड जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी अब हम देखते हैं चूंकि तो ज्यादा है तो इसलिए ये अनफेवरेबल वेरियंस है तो इन दोनों की कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंट की सो द वेरियंस इज अनफेवरेबल

Favorable variance. So here is variable manufacturing overhead rate variance. Variable manufacturing overhead rate variance has the formula actual hours into actual rate minus actual hours into standard rate. Actual hours into actual rate is the actual cost of variable manufacturing overheads.

रेट था वो 6.8 है और स्टैंडर्ड रेट दैट इज 6.0 क्योंकि एक्चुअल रेट इज मोर देन स्टैंडर्ड रेट दैट्स व्हाई हम लोग इसको जो है वो फेवरेबल सॉरी अनफेवरेबल कहेंगे एक्चुअल रेट और ऑफ 6.8 पर आर इज मोर देन द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 6.0 पर आर तो इस वजह से हम लोग वन जीरो फाइव जीरो आवर्स द टोटल अमाउंट ऑफ वेरियंस इज एट हंड्रेड एंड फोर्टी इज लेबल्ड अनफेवरेबल बिकॉज द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवर एट रेट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवर एट रेट दैट्स व्हाई दिस इज यू मस्ट से अनफेवरेबल वेरियंस और uh, इसलिए हम लोग इसको यू के साथ लेबल करते हैं okay the actual uh, actual rate of 6.8 per hour is uh, 0 0.8 more than the standard rate of 6.0 per hour that's why this is unfavorable variance or because 1050 hours were worked when we multiply this 0 0.8 with 1050 hours, we will get 840 figure of unfavorable variable manufacturing overhead rate variance. So, isliye isko hum log U label karenge because this is unfavorable variance and actual variable overhead rate is greater than the standard variable manufacturing overhead rates. That's why this is unfavorable variance.

आर्स को जब हम लोग स्टैंडर्ड रेट के साथ कंप्यूट करते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है इन दोनों में से स्टैंडर्ड रेट जो है वो कॉमन निकल आया तो एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर्स आर्स का जब हम फर्क लेंगे तो दैट इज सो स्टैंडर्ड रेट इज 2000 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ तो हमारे पास स्टैंडर्ड आरस आए थे 2000 हमारी थी और एक यूनिट uh, के ऊपर 0.5 फाइव लगते थे तो इसलिए हम लोगों ने इसको जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास uh, क्या आ गया स्टैंडर्ड आर्स आ गए। जब हम लोगों ने इन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास जो है वो 50 आ गए। 50 को जब हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 300 आ गए और 300 अनफेवरेबल हैं। ये क्यों अनफेवरेबल हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्चुअल आर्स जो हैं वो ग्रेटर देन स्टैंडर्ड हैं हमने एक्चुअल 1,050 कंज्यूम किए हैं लेकिन हमें करने चाहिए थे 1,000 थाउजेंड आवर्स दैट्स वाई वी आर इन एफिशियंट और इन एफिशियंसी जो है वो अनफेवरेबल सिचुएशन होती है सो दैट्स वाई दिस इज थ्री हंड्रेड अनफेवरेबल Actual hours worked in production was 1050 hours. However, the standard hours allowed for the actual output are 1000 hours, 50 hours more than the expected. You have 50 hours, hai, wo expectations se more hai, was used to produce the actual output. This variance is labeled unfavorable because uh, the actual hours worked is greater than the standard hours allowed for actual outputs. That's why this is 300 unfavorable variance is the इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल uh, क्यों है और ये सिंपल सी बात है कि दिस इज द रेस्पांसिबिलिटी ऑफ यू मस्ट से लेबर है या प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर है ये उसकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उन्होंने लेबर आर्स को कंट्रोल करना होता है उन्होंने लेबर्स को कंट्रोल करना होता है दैट्स वाई दिस इज देयर देअर कि वो किस तरीके से खर्च करते हैं और इनकी रीजन में वही वाली सारी रीजन आ सकती हैं कि स्टैंडर्ड भी आउटडेटेड हो सकता है ये स्टैंडर्ड्स की कैलकुलेशन गलत हो सकती हैं स्टैंडर्ड के जो हम लोगों ने जो कैलकुलेट uh, किया था वो पिछले साल की कैलकुलेशन ठीक नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर हमने स्टैंडर्ड बनाया था तो ये सारी रीजंस उसके भी अंदर आ सकती हैं

लेवल है बजटेड एक्टिविटी लेवल जिसको हम लोग जिसके ऊपर हम बजट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को फिक्स्ड वाले को

थ्री थ्री लाख और टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवर तीन लाख ,00, पिछहत्तर हजार जब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास तीन लाख पिछहतर हजार आगेबल इकहत्तर हजार चार सौ आ गए और तीन लाख आठ हजार आ गए और एक्चुअल मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल आ गए थ्री लाख सेवेंटी नाइन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड इन इस डेटा को यूज करके हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वो हम कैसे के कैलकुलेट करते हैं ओके okay, जब हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस की बात करते हैं तो हमने अभी बात की थी कि फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस या बजट वेरिएंस या जिसको हम लोग आ, जो है वो आ, आप समझ लो कि टोटल uh, एक्चुअल के साथ जब हम बजटेड का फर्क निकालते हैं तो उसको हम लोग ओवरहेड बजट वेरिएंस कहते हैं या इसको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस वेरिएंस एक्सपेंडिचर भी कहते हैं सो फिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड तो इन दोनों का जो फर्क होगा ये हमारे पास बजट वेरिएंस कहलाएगा तो हमारे पास तीन फिगर्स इसमें भी होती हैं फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड फिक्स्ड फिक्स्ड बजटेड ओवरहेड्स और जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक बजटेड ओवरहेड्स कहते हैं और ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं जिसको हम लोग एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कहते हैं जब हम लोग स्टैटिक बजटेड का और एक्चुअल का फर्क लेते हैं तो उसको हम लोग बजट वेरियंस कहते हैं या इसको हम लोग स्टैटिक बजट वेरियंस भी कहते हैं

ओके okay. और फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को जब हम लोग फर्क लेते हैं तो इसको हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं तो ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ये बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड आर्स को जब हम लोग फिक्स्ड रेट के साथ बजटेड फिक्स्ड रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आप समझ लें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं ये फ्लेक्सिबल बजटेड आते हैं और ये हमारे पास स्टैटिक स्टैटिक बजटेड होते हैं जब बजटेड को और जो फ्लेक्सिबल बजटेड को जब हम लोग फर्क लेते हैं तो उसको हम लोग वॉल्यूम वेरियंस कहते हैं तो हेयर वी हैव स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट और इसका फर्क लेते हैं बजटेड आर्स फॉर स्टैटिक बजट बजटेड आर्स प्लैंड फॉर द पीरियड और मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके बजटेड कॉस्ट निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके हम फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड कॉस्ट निकालते हैं और अप्लाइड का और बजटेड का जब हम फर्क लेते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम वेरियंस बन जाता है तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये हमारे पास जो तीसरी फिगर होती है वो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं ओके okay, अब हम लोग वॉल्यूम वेरियंस इज इक्वल टू फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड माइनस स्टैंडर्ड अब आप इस फॉर्मूला को जरा गौर करें इसमें फिक्स्ड रेट फिक्स्ड रेट दोनों में कॉमन है तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट ये हमने बाहर ले लिया कॉमन मल्टीप्लाई बाय अब इन दोनों में फर्क क्या है स्टैंडर्ड आर्स एंड बजटेड आरस और बजटेड आर और स्टैंडर्ड आर्स का जब हम फर्क लेते हैं और इस फर्क को मल्टीप्लाई करते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड रेट के साथ तो हमारे पास वॉल्यूम वेरियंस आ जाता है तो फिक्स्ड ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग

अलाउड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड आर्स आर बेसिकली स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट जब हम लोग इन स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम फेवरेबल और अनफेवरेबल किस तरीके से हो सकता है बेसिकली वेरिएंसेस आर इक्विवेलेंट टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड

स की शक्ल आ जाती है तो ये जो वेरिएंस होता है जो कि हमारे पास ओवर ओवरहेड वेरिएंसेस होते हैं उसको हम लोग जब अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड के साथ अटैच करके देखते हैं तो जब

मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट कैसे आएगा एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस ये उसका एक जनरल फॉर्मूला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट इज इक्वल टू थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड यह तीन लाख पिछहत्तर हजार हमारे पास एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गए पिछहत्तर हजार वेरिएबल हैं और तीन लाख इसके फिक्स्ड हैं इन दोनों को हमने डिवाइड किया 50,000 जो हमारे बजटेड मशीन आर थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 25,000 मोटर्स तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 7.5 पर मशीन हमारा रेट आ गया अब इस रेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वेरिएबल ओवरहेड रेट में और फिक्स्ड ओवरहेड रेट में क्यों क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल वेरियंसिस अलादा निकालने हैं और फिक्सड ओवरहेड के वेरियंसिस अलहदा निकालने हैं सो तो इसलिए हमें दोनों रेट्स अलायदादा चाहिए तो इस सिचुएशन में हमारे पास वेरिएबल

इन टोटल माइक्रो ड्राइव कॉर्पोरेशन वुड अप्लाई थ्री हंड्रेड overhead टू वर्क इन प्रोसेस एज शोन बिलो थ्री हंड्रेड थाउजेंड जो उसके फिक्स ओवरहेड से वो अप्लाई कैसे करेंगे ओवरहेड अप्लाइड इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट मल्टीप्लेब है स्टैंडर्ड आर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड आर अलाउड थे उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सो मैन्युफैक्चरिंग ओवर रेट इज सेवन पॉइंट फाइव पर मशीन आर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्टी थाउजेंड मशीन आर्स विच वार अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन हमने की थी

मशीन आर सॉरी मशीन आर्स

इड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर बेस्ड ऑन एक्चुअल आर्स होते हैं एक्चुअल आउटपुट होते हैं तो एक्चुअल आउटपुट के ऊपर हमारे कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आने चाहिए इनको हम लोग स्टैंडर्ड या अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं

और जब हम लोगों ने इसको बजटेड किया फिक्स्ड ओवरहेड के साथ फ्लेक्सिबल बजटेड के साथ तो ये हमने अभी जो अप्लाइड एफओ निकाले हैं दो सॉरी जो हमारे बजटेड थे फिक्स्ड वाले वो थे तीन लाख के जो हमारी एग्जांपल में हमें गिवन है जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं कि ये हमारी एग्जाम्पल में हमें ये जो तीन लाख के बजटेड फिक्स मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड दिए हुए हैं तीन लाख के ये हमने वहां पे यूज किए हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे पास तीन uh, लाख के आ गए अब इन दोनों का जो फर्क आ गया ये हम लोगों ने कहा जी आठ हजार है और दैट इज अनफेवरेबल ये एट थाउजेंड इन दोनों का जो फर्क है दैट इज अनफेवरेबल अनफेवरेबल क्यों है क्योंकि हमारी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा आई है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट से सो दिस इज वेरी सिंपल केस ऑफ अनफेवरेबल जिसमें हम लोग एक्चुअल एक्सपेंसिस ज्यादा होंगे जब हमारे बजट के साथ प्लान के साथ तो उसको हम लोग अनफेवरेबल वेरियंस कहेंगे फॉर द कॉस्ट तो दिस इज अनफेवर

25,000 यूनिट्स, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली काम किया 20,000 यूनिट्स, तो ये जो 5,000 का फर्क आया है वो वॉल्यूम में फर्क आ गया है तो उसको हम लोग जो वेरिएंस, उस कॉस्ट में उसमें फर्क आएगा उसको हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस कहेंगे सो बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफओएच रेट और अप्लाइड एफओएच रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनका फर्क लेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा हमने अप्लाइड रेट निकाला था 6 पर मशीन आवर्स जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया फिक्स्ड ओवरहेड रेट लेना है यहाँ पे सिर्फ और 50,000 मशीन आर्स हमने प्लान किए थे लेकिन हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की उसके ऊपर हमारे लगने चाहिए थे 40,000 मशीन आर्स बिकॉज वो हम अपनी प्रोडक्शन कम की हमने 25,000 करनी थी कि हमने 20,000 तो हाल हमारे जो मशीन आर्स होने चाहिए थे वो हमारे फोर्टी है ओके हेयर वी हैव स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर मशीन आर इज सिक्स एंड forty thousand जब इन दोनों को आपने फर्क निकाला तो हमारे पास क्या आ गया uh, 10, 000, 10, 000 को six से मल्टीप्लाई किया तो दैट sixty thousand अब ये जो sixty thousand है ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है अब जरा गौर करें हमने बेसिकली क्या किया कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी 50,000 थाउजेंड आर्स की लेकिन हमने यूटिलाइज कितनी की 40000 आवर्स की जब हमने कम यूटिलाइज किए हैं तो हमने कम वॉल्यूम प्रोड्यूस किया है और कम हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो यूज किए हैं तो इस वजह से हमारे पास ये जो 60000 है ये हमारे पास क्या हो गई है आइडल कैपेसिटी आ गई है ये हमने अपने एफओएच जो है वो आप समझ ले के जाया कर दिए हैं हमने ये एफओएच जो, जो है वो हमने अपने जो है वो खर्च नहीं किए हैं ये हमने कैपेसिटी को वेस्ट कर दिया है तो ये हमारे पास जो वैसे कैपेसिटी वेस्ट होने की वजह से हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो दिस इज अनफेवरेबल सिचुएशन कि जब हमारे पास बजट ज्यादा होगा लेकिन हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कम की हुई होगी और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी तो ये हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन होती है बिकॉज वी हैव प्लैंड फिफ्टी थाउजेंड मशीन आर बट वी एक्चुअली एक्चुअली जो हमने काम किया जो हमने काम किया वो फोर्टी थाउजेंड मशीन आर का किया इट मीनस टेन थाउजेंड मशीन आर वॉर यू मस्ट से आइडल जो आइडल रह गए आइडल कैपेसिटी में चले गए या इसको हम लोग आप समझ लें कि इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है तो जब हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी ये हमारे पास बाकी जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उन पे पड़ेगी तो उसकी वजह से उनकी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी तो ये एक लॉजिक हम ले सकते हैं कि इसकी वजह से ये अनफेवरेबल सिचुएशन है सो सिक्सटी थाउजेंड वुड बी अनफेवरेबल हम यहां पे बात कर रहे हैं वॉल्यूम वेरिएंस इज 60,000 एंड दैट इज अनफेवरेबल बिकॉज वी हैव टू यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ 50,000 था मशीन आवर्स बट एक्चुअली वी वर्क फॉर 40,000 मशीन आवर्स एंड फोर्टी था हंड्रेड थाउजेंड कॉस्ट जो हमारी थी uh, पूरी फिक्सड ओवर हेड्स की अब वो 40,000 थाउजेंड मशीन आवर्स के ऊपर एलोकेट होगी जिसकी वजह से हमारा ये जो सिक्सटी का एक्सपेंस जो है वो क्या हो

भाई आपके ये अनफेवरेबल क्यों है तो दिस इज द आंसर इफ द इफ द डिनोमिनेटर आर्स मीन बजटेड आर्स जो स्टैटिक बजटेड आर्स थे

and if the denominator hours budgeted hours are less than the standard hours allowed for the actual output the volume variance is favorable or agar ye ulat ho situation mean budgeted hours ya denominator hours kam ho aur humne एक्सटेंडेड आर्स allowed for actual output ज्यादा हो तो हमारे पास जो है वो आ, फेवरेबल situation सिचुएशन होगी अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने प्लान किया था जो तीन लाख रुपया वो पच्ची हजार यूनिट के लिए या पचास हजार आर के लिए किया था जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमने उन्हीं तीन लाख में प्रोडक्शन जब ज्यादा कर ली तो ये हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन है तो इसलिए हम लोग इसको फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे अगर हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी या इसको अगर सिंपली बात कर लें जब आपकी बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा होगी और एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगी तो फिक्स्ड ओवरहेड जो वॉल्यूम वेरिएंस होगा वो अनफेवरेबल होगा और जब आपकी बजटेड प्रोडक्शन कम होगी और एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर आपका जो बजटेड uh, uh, जो जो वॉल्यूम वेरिएंस होगा प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस वो आपका फिर फेवरेबल हो जाएगा इस सिचुएशन में जब हम लोग बजट ज्यादा करें और एक्चुअली कम प्रोड्यूस करें तो हम अपनी कैपेसिटी को जाया कर रहे हैं हम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को जाया कर रहे हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए अनफेवरेबल सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हम लोग अगर बजट से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उन्हीं फिक्स एक्सपेंसिस में ज्यादा प्रोडक्शन की है हमने अपने जो यूट फेसिलिटीज थी उनको बेहतर तरीके से एट पीक से भी ज्यादा यूटिलाइज किया है तो इसलिए हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन है तो इस, इस लिहाज से हम लोग इसको फेवरेबल और अनफेवरेबल कहेंगे This variance is the most tricky. ये होता है, फेवरेबल और अनफेवरे तो इसको याद रखने के लिए आप लिख लेंगे अलाउड कम हूं तो फिर आपके पास अनफेवरेबल है और अगर बजटेड आर्स कम हूं और स्टैंडर्ड आर्स अलाउड ज्यादा हूं तो फिर फेवरेबल है या दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर बजटेड प्रोडक्शन जो बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा हो और एक्चुअल प्रोडक्शन कम हो तो फिर आपके पास जो है ये अनफेवरेबल सिचुएशन है और अगर बजटेड प्रोडक्शन ज्यादा हो और सॉरी बजटेड प्रोडक्शन कम हो और uh, जो जो समझने के एक्चुअल प्रोडक्शन जिसकी बेस के ऊपर हम स्टैंडर्ड आर्स अलाउड निकालते हैं वो अगर ज्यादा हो तो फिर आपकी फेवरेबल सिचुएशन होती है Or stated differently, the volume varies is unfavorable if the actual level of activity is less than expected.

वॉल्यूम वेरियस अंडर स्पेंडिंग या ओवर स्पेंडिंग नहीं निकाल रहा बल्कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी निकाल रहा है वेदर वी हैव यूटिलाइज्ड आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैपेसिटी फुली और नॉट फुली अगर हमने फुली यूज किया है तो फिर हम लोग उसकी फेवरेबल सिचुएशन है और अगर हम लोग उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं तो ये हमारे पास अनफेवरेबल सिचुएशन है It is important to note that the volume variance does not measure overspending or underspending. The volume variance is often viewed as a measure of the utilization of facilities. Volume variance is basically utilization of facilities, ya capacities. Hota hai. If the standard hours allowed for the actual output are greater than the denominator hours, budgeted, it is signals efficient use of facilities. Agar jo budget standard hours allowed for actual output. Hai, wo अगर हमारे बजटेड आर से ज्यादा हैं इट कि हमने ज्यादा काम किया है और हमने अपनी फैसिलिटीज को ज्यादा तरीके से एफिशिएंटली यूज किया है तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे एफिशिएंट यूज ऑफ फैसिलिटीज में ये फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी एंड इफ दर अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट आर लेस और एक्चुअल आउटपुट की बेस के ऊपर जो हमने स्टैंडर्ड आर निकाले हैं अगर वो कम हैं हमारे बजटेड से, तो इट सिग्नल्स इन फैसिलिटीज इसका मतलब है कि हमने अपने को ये the, इसकी एक्सप्लेनेशन है और ये मैंने आपको बताया कि सबसे ट्रिकी और सबसे क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन होती है जो कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस की बेस के ऊपर हम लोग करते हैं सो दिस इज द

तो ये हमारे पास एफओ एच है तो ये हमारे पास एक्चुअल और एक्चुअल का और बजटेड का जब हम फर्क निकालेंगे तो ये हमारे पास जो करेंगे तो दैट इज आर वॉल्यूम वेरियंस और जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो टोटल वेरियंस आ जाएगा जिसको हम लोग टोटल फिक्स ओवरहेड स्पेंडिंग वेरियंस कहते हैं या टोटल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस कहते हैं उज अनबल एंड दिस इज सिक्स लाख किया था इन दोनों को जो हम तो ये हमारे पास जो है वो आ, क्या आ जाएगा बजट वेरियंस आ जाएगा टोटल ओवरऑल जो स्टेटिक uh, बजट वेरियंस जिसको हम कहते हैं और ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम की वजह से जो हमने बजट किया था और जो हमारे पास एक्चुअल जो हमने क्शन की थी और उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड के ऊपर हमारे एक्सपेंस होने चाहिए थे तो हमने कहा जितना हम लोगों ने बजट किया था वो था तीन लाख लेकिन जो हमारे एक्सपेंस होने चाहिए थे वो होने थे दो लाख चालीस हजार तो इसलिए हम लोगों ने साठ हजार की जो कैपेसिटी थी वो जाया कर दी आइडल चली गई और या हमने उसको एफिशिएंटली यूज नहीं किया तो बेसिकली दिस इज द वॉल्यूम वेरियंस दिस शोज द एफिशेंसी वेरियंस एंड दिस शोज द बजट और एक्सपेंस वेरियंस तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे एक्सपेंडिचर की उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करते रेट के साथ या प्राइस वेरियंस वाले फॉर्मूला के साथ ये हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं बाकी तीनों वेरिएंसेस से हम लोग डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में प्रॉपर फार्मूलाज यूज करते हैं लेकिन इसमें हम लोग उस फार्मूलाज के मुताबिक काम नहीं करते हैं बल्कि हम लोग इसको इस तरीके से टोटल फिगर्स को लेके इस लिहाज से हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं या इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहां पे हम ये कहते हैं कि अनफेवरेबल इसलिए है कि हमने जो कैपेसिटी प्लान की थी वो तीन लाख के बजट के ऊपर थी लेकिन हम लोगों ने जो ये कैपेसिटी यूटिलाइज की है वो सिर्फ दो लाख चालीस हजार के एक्सपेंसेस को यूटिलाइज किया है तो हमने साठ हजार का जो एक्सपेंस है ये हमने बेसिकली क्या किया है यूटिलाइज नहीं किया है हम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं दैट्स वाई दिस इज आर अनफेवरेबल वेरियंट तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं होप्स कि आप लोग इन तमाम चीजों को समझ गए होंगे Okay.